जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आदरणीय खासदार साहेब, आम्ही तुमचे आभारी आहोत. यानंतर मी विनंती करेन, अजय सरांना विनंती करेन की वैष्णवी घाट, यानंतर अजय सरांना विनंती की यानंतर महिला विधानसभा संघटक सौ, यानंतर अंधेरी विधानसभा सर, यहाँ देखिए, सामने देखिए सर, सामने देखिए. ये शिक्षा संस्था चलाती है तो यहाँ का जो बच्चा सीखता है वो आदर्श नागरिक बनता है. अभी देखिए कि सर्वधर्म समभाव का दिया हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन इस सर्वधर्म समभाव का सबसे महान गुरु अजय गौरी है. अजय गौरी सब जाति के लोग, सब कौम के लोग इधर आए हैं. ये समझो कि इनके पैर से आए और इनका पैर जब भी उनको देते हैं तो मेरे को भी कुछ पैर इन लोगों ने दिया है, गुलदस्ता दिया है. मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर. और देखिए कि सर से मैं हर बार एडवाइस देता हूँ, मेरे सभी पदाधिकारी को मैं बोलता हूँ कि सर के पास नागरिकों की समस्या जो है ना, वो समस्या हर बार आती रहती, उनसे इंटरेक्शन करते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किधर गटर भरा है, किधर बिल्डिंग डुबली हो गई, किधर वाटर पानी का दाब कम हो गया है, किधर गंदगी साफ नहीं होती है, किधर अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, किधर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता. ये सब जितनी समस्या आम जनता के रहती है उसका सेंटर ऑफ पॉइंट कलेक्शन का सर का कैबिन वहां के. देखो कि सर मुझे 10 काम करने हैं एक महीने में, क्या क्या काम करूंगा. मैं भी उनसे सलाह देता हूँ, मैं भी उस सलाह के तरह माध्यम से मैं ऐसे मीटिंग लगाता हूँ, सर को बोलता हूँ सर खाली आप बताते जाओ, मैं करता रहूंगा. क्योंकि हमें भी सोर्सेस चाहिए ना इन्फॉर्मेशन की. हर नागरिक शायद मेरे ऑफिस में नहीं आ पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता के पास आएंगे. सर के पास तो सोर्सेस है अच्छा, सर के पास आएंगे तो सब इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और इसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं. तो आज मैं बहुत धन्य हूँ कि मैंने इतने शेड बनाए और लेकिन आज का शेड जो है मैं जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं. इस शेड का कारण सर बोले कि मैं बैंड बाजा भी लगाने वाला था, तो बैंड बाजा हमें लगाना है सर, अभी नहीं, बैंड बाजा लगाना है. ध्यान दे रखो जोरा दे एकदम एटम बॉम्ब. ओके चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इथे आभार प्रदर्शन काय करणार, भाऊंनी एवढं एकदम हृदयाला टच करेल असं त्यांनी भाषण दिलेलं आहे आणि मी बोलणार नाही, भाषण दिलंय त्यांनी, त्यांची जी भावना व्यक्त केली आणि मंचावर उपस्थित माननीय कीर्तिकर साहेब, या संस्थेचे संस्थापक अजय कौल सर आणि पदाधिकारी, जे शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी, मी सगळ्यांची नावं नाही घेऊ शकत, काही लोकांची नावं माहिती आहेत. आज आपण इथे शेडच्या निमित्त आज इथे भेटलेलो आहे आणि हे शेड भाऊंच्या निधीतनं इथे लागलेली आहे, त्यांचं खूप धन्यवाद. पण हे जे छत इथे लागलेलं आहे भाऊ, तुम्हाला एकच सांगतो, हे छत त्याच्यापेक्षा तुमचं मायाचं छत या शाळेवर अजय सरांवर असंच राहू दे, सदैव राहू दे आणि त्या छताखाली आम्ही सगळे एकत्र येत राहू. आणि तुम्ही जे प्रबोधन आम्हाला करता त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि संस्थेतर्फे आणि सगळ्या जमलेल्या लोकांतर्फे आणि जेवढी इथे संस्था जमलेल्या आहेत त्या सर्वांतर्फे मी तुमचं धन्यवाद करतो आणि हा कार्यक्रम इथेच संपला असं घोषणा करतो. धन्यवाद. एक अद्भुत पुरुष समाज सेवा के लिए, शिक्षण क्षेत्र के लिए पूरी ताकत से इस क्षेत्र में ये सेंटर निकाल के यहाँ के बच्चों को, पेरेंट को बहुत अच्छा आदर दिया जाता है इनके तरफ से, इसलिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ. ये आज तो क्या ये शेड लगाया मैंने, ये शेड जो है
भाई जैसे बोला कि ऐसे अजय सर इतने उत्साही है, इतने गरीबों को मदद करने वाले इंसान है कि ये ऐसे हर स्कूल में 10 जगह शेड लगा सकते, इतनी उनकी औदार्यता है, औदारी आई है। लेकिन ये शेड इधर लगाने का मुझे अवसर दिया गया, मैं बहुत मन से आभार प्रदर्शित करता हूँ मेरा पार्टी लीडर एकनाथ शिंदे के तरफ से, मेरे सभी यहाँ के पदाधिकारी इनके तरफ से मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। देखिए कि यहाँ मैं तो अभी लोकसभा की दूसरी टर्म मेरी पूरी हो जाएगी, पहले टर्म में मैं जीत नहीं पाया, लेकिन तभी से आज 15 बरस का तजुर्बा है सर से, इस स्कूल से, कि जो जो इंसान समाज के हित के लिए काम करते हैं उससे मैं जुड़ता हूँ। और मुझे ना केवल इनसे जुड़ के उनसे माध्यम से वोट बैंक चाहिए, इनके माध्यम से ये जो समाज सेवा करते हैं उसको ताकत देना, ये मेरे जैसे लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य रहता है। ये कर्तव्य निभाने के लिए हर दम हर साथ ये अजय कौल के साथ रहता हूँ और आने वाले दिन में भी रहता रहूँगा। सर अजय सर के बारे में आपने एक बात और कही कि कोविड में उन्होंने फीस माफ कर दी। कोविड में देखिए कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम स्कूल है, यानी नई स्कूल, लेकिन कोविड के समय में 2 करोड़ की फी माफ करने वाला ये अजय कौल जैसा एक ही इंसान पूरे मुंबई शहर में नहीं है, 2 करोड़ की माफी। और उसके साथ ही साथ कोविड के समय में अनाज देना, भांडी देना, औषध देना, ये सब काम अजय सर यहाँ से देखे करते थे। जब ही महाड़ और चिपलुन में जो पूर आ गया, तभी यहाँ से मैं देखा कि पूरा उनका हाल भर गया था, सब कलेक्ट करके यहाँ से ट्रक में भर के भेजते थे। इतना औदार्य, इतना समाज सेवा करने वाला अजय सर जैसा इंसान ये हमारे लिए या इस एरिया के लिए मेरे जैसे खासदार के लिए एक बहुत बड़ा आधार है और हमेशा के लिए इनके साथ में रहूँगा, उनके साथ में आगे समाज सेवा करता रहूँगा उसके साथ लेके, ये मेरा फर्ज है। सर प्रश्न है कि आता मैं अजय कौल सर लाखों लोकांची सेवा केली, त्यात अजय कौल सरांच्या छायेसाठी तुम्हाला सेवा करण्याची संधी मिळाली, सेवा अजय सर सेवा करणारे आहेत, त्या मोठ्या सेवकाची संधी मी काय करणार, मी सेवा काय करणार, मी त्यांचे ते सेवक आहेत, चांगल्या तऱ्हेचं समाजामध्ये त्यांचं स्थान आहे, चांगलं काम करतायत, त्या अजय सरांची सेवा मी काय करणार, पण अजय सर सांगतील त्या लोकांची सेवा मी करत जाईल। मी भाषणात बोललो पण त्या प्रमाणे जी सर आपण देखिए जिसको कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय खासदार श्री गजानन कीर्तिकर जी के बारे में कि वो जो हम कहते हैं कि वो इंसान के खासदार है, मतलब आम आदमी के खासदार है, क्योंकि मैंने अनुभव किया सिर्फ ये शेड बना के दिए या इसलिए नहीं, जब जब कोई भी ज़रूरतमंद इंसान का काम था और जो जो काम मैंने उनको रिकमेंड किया और खासकर जो जेन्युइन काम थे, आप यकीन जानिए उनने हर एक इंसान का काम करके दिया। ये नहीं पूछा कि वो कौन से जाति का है, वो कौन से जमात से है या वो कहाँ से है, अच्छा काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। मुझे याद है कि गए साल भी कोविड के वक्त में उन्होंने अपने फंड से 1000 बेंचेस दी थी जो हमने अलग अलग सोसाइटीज़ में उसका वितरण किया। उसके अलावा सोसाइटीज़ के काम हो, लोगों के काम हो, वो सारे काम उन्होंने करके दिए। और ख़ास करके चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के लिए तो वो ये इंस्टीट्यूशन को अपना इंस्टीट्यूशन मानते हैं और जब जब चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर को ज़रूरत थी, जैसे उनको लगा कि अब मानसून शुरू हो रहा है तो बच्चों को खड़े रहने की तकलीफ़ होगी, पेरेंट्स को खड़े रहने के लिए तकलीफ़ होगी, इमीडिएटली मेरे बोलने के मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ये काम उन्होंने कंप्लीट करके दिया। और एक ऐसी बात की कि आपको लाखों सेट लगा सकते हो लेकिन आप सर से क्यों लगाना चाह सकते? देखिए ऐसा है ना, शायद ये हम चाहते थे कि ये कृतिका साहब के हाथों से बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे बच्चों के लिए उनके हाथों से अच्छा कार्य हो। जो इंसान इतना अच्छा कार्य करता है यकीनन उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मेरे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा। बदलाव घड़वा।